कुरुक्षेत्र के पीपली में हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन वर्कशॉप में कल सुबह 3 बजे लगी आग ने लाखों रुपए का फर्नीचर और लकड़ी राख कर दी। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई 100 फीट का शेड, उसमें रखी लकड़ी और कई मशीनें आग की भेंट चढ़ गई। फायर ब्रिगेड सुबह 11 बजे तक आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। जैसे ही घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को मिली, आला अधिकारियों भी मौके पर पहुंचे। इसी बीच जिला वन अधिकारी संजीव सैनी का कहना है कि आग का पता चलते ही 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और संभवतः आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। 3:30 बजे के लगभग हमारे को पता लगा कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ पिपली 100 मील में फायर इंसिडेंट हुआ है। तो 3:30 बजे के बाद विद इन 15 मिनट हमारे पास फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने काबू करने की कोशिश करी और सुबह तक उन्होंने काबू कर लिया। ये मेनली जो हमारी यहाँ आग लगी है वो स्टोर आइटम जो हमारा यहाँ पड़ा था उसमें आग लगी है, सेंटर वाले पोर्शन में। बड़ी घटना होने से हमारा बची है यहाँ पे, अदरवाइज काफ़ी नुकसान हो सकता था। ये अलर्ट था यहाँ पे हमारा स्टाफ, इसलिए ये नुकसान हमने काबू कर लिया मौके पे। मोस्टली हमारा जो है, जो हमारा कटाई के बाद जो माल बचता है वो जला है, और कुछ हमारा जो तैयार होता है, हाफ डन होता है हमारा सामान, वो जला है। अब फाइनल असेसमेंट जो है वो हमारे इंश्योरेंस वाले आएंगे, वो करके बताएंगे। फायर फाइटर ने करीब 8 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। इस आग में लाखों रुपए की लकड़ी, मशीनरी और बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुँचा है। रात 3:32 के आसपास यहाँ जंगल विभाग में आग लगी थी। ये फर्नीचर का काम है यहाँ पे, वर्कशॉप इनकी, इनमें आग लगी थी और आग बहुत ज्यादा थी। कम से हमारी फायर की बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं पानी के लिए, तब जाके आग कंट्रोल हुई है। 3:30 बजे से लेकर और अब तक देख लो, हम आग पर काबू पा लिया है अब तक हमने। तो नुकसान तो नहीं हुआ? जाने नुकसान, नुकसान जाने नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या नाम आपका? विनोद।